नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशिफल मई 2021 के बारे में कि मेष राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, इस महीने में आपके लिए कुछ खुशखबरी है तो कुछ दुख भरी कहानी भी है। आपके लिए ये वक्त कैसा रहेगा, आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सुख और शांति की आपको इस महीने में प्राप्ति होगी मेष राशि वालों। सुख भी मिलेगा, सुख का मतलब है कि फिजिकल यानी कि बाहरी सुख संसाधन भी प्राप्त होगा, और शांति का मतलब है कि आत्मिक शांति, अंतरात्मा में भी शांति का वास होगा। आरोग्य और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी इस महीने में आपको, यानी कि आपका हेल्थ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगर हेल्थ अच्छा है तो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है, वही आपका धन है, इसलिए आनंद की भी आपको प्राप्ति होगी। आपका दैनिक जीवन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और अनुशासित तरीके से इस महीने में बीतने वाला है। आपका दैनिक जीवन जो रोज़मर्रा का काम है उसको भी आप बहुत ही अनुशासित डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। मित्रों, राजकीय कार्य में आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। जो भी राजा महाराजा से संबंधित काम है, जो सरकार से संबंधित काम है, उससे संबंधित काम आपका जो है सो अच्छे तरीके से होगा, वहाँ से आपको सपोर्ट जो है प्राप्त होगा। कमाल की बात यह है कि इस महीने में आपको भ्रातृ सुख भी प्राप्त होने वाला है, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। वो मेष राशि वालों को इस महीने में अपने भाई का सुख, भ्रातृ सुख जो है, भ्राता का सुख प्राप्त होने वाला है। रचनात्मक प्रवृत्ति रहेगी इस महीने में आपकी, यानी कि इस महीने में रचना करने की क्षमता है आप में बड़ी कमाल की होगी। बहुत कुछ आप लिख डालेंगे, बहुत कुछ आप क्रिएटिविटी जो है सो उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, कार्य व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। आप जो काम धंधा करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शक्ति संवर्धन भी होगा, यानी कि अपने शक्ति का पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे आप, और आपके शक्ति में वृद्धि होगी। लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका समय, आपका पक्ष और मजबूत होता चला जाएगा। नौकरी पेशा में उल्लास रहेगा, नौकरी पेशा में उल्लास रहेगा, यानी कि जहाँ पर में भी आप काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर में आपको उल्लास की स्थिति उत्पन्न होगी, खुशी की स्थिति उत्पन्न होगी, आप काफ़ी खुश रहेंगे। मित्रों, संतान सुख की भी इस महीने में आपको पर्याप्त प्राप्ति होने वाली है। उत्तरार्ध प्रगतिशील रहेगा, यानी कि महीने का अंतिम समय जो है, अंतिम पक्ष, वो भी कमाल का रहेगा। उस समय में भी आपका विकास ही होगा, डेवलपमेंट ही होगा, प्रगति ही होगी। मित्रों, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा इस महीने में। जमीन जायदाद संबंधी कार्य आपके सिद्ध होंगे और आर्थिक सफलता की भी प्राप्ति आपको इस महीने में होनी जा रही है। है ना सब कुछ कमाल की बात। कुछ भी बुरा इस महीने में नहीं होने जा रहा है, बुरा होगा तो सिर्फ एक ही, अगर आपने वाणी पर में कंट्रोल नहीं रखा, आपने अपने क्रोध पर में कंट्रोल नहीं रखा, तो ये सब का सब जो है उस पर में आप पानी फेर देंगे। और आपका समय, आपका वक्त जितना अच्छा रहने वाला है, आपके वाणी के कारण, आपके क्रोध के कारण जो है वो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके लिए जो इस महीने में बुरा तारीख है, जो अशुभ तारीख है, उससे आपको अवगत करा देता हूँ। आपके लिए बुरा तारीख है 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27, ये आपके अशुभ तारीख हैं। इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान नहीं रहेंगे तो कहा गया है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके लिए ये समय, ये महीना, मैं उम्मीद करता हूँ कि और सब से पिछले बीते गए महीनों से बेहतरीन रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि ये महीना और भी बेहतरीन रहे, और भी अच्छा रहे, तो आप ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का जो है सो जाप जरूर करें। संभव हो तो मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन पीपल शनिदेव को दीपक जलाएं सरसों के तेल में। आपके लिए ये समय और भी बेहतरीन और भी अच्छा हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय माता दी।